हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ डमटेक्स। माय नेम इज मोहम्मद अली। और मेरा नाम है हमाद हसन। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। सो गाइस, आज हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि है इंडिया का वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। हाँ जिसको बबाली है, ये मेरा ख्याल जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जी, ठीक है। और ये बुबाली इसका जंक्शन। इंडिया का विद ऋषि वालों ने अपलोड की है, बिल्कुल। सो गाइस, आपने इनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। और बेल आइकन के बटन को तो जरूर दबाना है। वो तो भाई हमारे चैनल को करना है। सो गाइस, आपने हमारे चैनल को भी साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। हाँ जी, और इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, प्लीज इनकी वीडियो जाके जरूर देखिए। एग्जैक्टली। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए चलते हैं अपनी वीडियो वीडियो की की तरफ। तरफ। हियर वी गो। रेस्टोरेंट ऑन व्हील टेक अवे काउंटर ठीक सामने आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। कुछ इस तरह का है हुबली स्टेशन का मेन एंट्रेंस। लक्ष्मी नरसिम्हा स्टैचू बनाया गया है दीवार पे, और यहाँ पे आपको पीछे देख रहे पेड़, वेटिंग लोन भी मिल जाएगा। नमस्ते, सलाम एंड सत श्री अकाल। और मैं हूँ फिलहाल विश्व के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म वाले रेलवे स्टेशन, जी हाँ, SSS हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास। भाई साहब, विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। वेलकम टू द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक मेन जो एंट्रेंस है वहाँ पे आपको इस तरह से मेन गेट पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। और भाई साहब, गर्मी तो बहुत है। एक्चुअली आपको लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म का टूर करवाता हूँ। बाकी कुछ इस तरह का है अपना प्यारा सा हुबली रेलवे स्टेशन। जो रेलवे स्टेशन का जो एरिया है बहुत ही लंबा चौड़ा है। श्री सिद्ध रूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली, और अपने सामने अपना नेशनल फ्लैग, और यहाँ पे ठीक रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में आपको यहाँ पे पार्क मिल जाएगा, है ना। इधर आपको पार्किंग है, देख सकते हैं ये सब पार्किंग एरिया इधर। भाई साहब, ये सामने देख रहे हैं, ये है रेलवे स्टेशन का मेन एंट्रेंस, ठीक सामने आप देख रहे हैं, क्या ही खूबसूरत है भाई। और रेलवे स्टेशन के ठीक सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रेल कोच रेस्टोरेंट, लगभग कंस्ट्रक्शन में, ओपनिंग नहीं हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का है। आई लव बोगी बोगी। चलिए यहाँ पे गार्ड सब पूछते हैं कब तक ओपन होगा। ये है रेस्टोरेंट ऑन व्हील टेक अवे काउंटर ठीक सामने आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और जैसा हमारे गार्ड साहब कह रहे हैं, संडे को क्या बोले, सैटरडे कमिंग सैटरडे, यानी 2-3 दिन बाद। यार मेरा लक अच्छा नहीं है, मेरा क्या ही बोले, मेरे को आज निकलना है, नहीं तो 2-3 दिन बाद मैं आपको दिखाता इसका। फिलहाल 2-3 दिन बाद इसका ओपनिंग है, अन्ना अंदर कुछ इंटीरियर का काम चल रहा है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा नहीं पाऊंगा। बाकी तो कुछ इस तरह का है हुबली स्टेशन का मेन एंट्रेंस। अमृत भारत स्वच्छ भारत जो मेन एंट्रेंस पर सजाया गया है ना, क्या ही खूबसूरत लग रहा है। बाकी यहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन ठीक बगल में आपको IRCTC का फूड प्लाजा, सामने आप देख सकते हैं एक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का आपको स्टॉल मिल जाएगा। सामने आपको डिस्प्ले है जहाँ पे आपको ट्रेन की जानकारी आपको मिलते रहेगी। यहाँ पे एक स्क्रीन है, बाकी आपको ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। फिर आपको बुकिंग ऑफिस इंक्वायरी काउंटर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म का। और हम लोग आ चुके हैं वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, जी हाँ, हुबली स्टेशन का एक नंबर प्लेटफॉर्म। और इसकी लंबाई जहाँ तक मेरा आइडिया है अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर लंबा है ये। और ठीक सामने देख रहे हैं लक्ष्मी नरसिम्हा स्टैचू बनाया गया है दीवार पे, और जो हम्पी में है ना। क्या ही खूबसूरत लग रहा है भाई। छोटा सा गेट बनाया हुआ, क्लॉक रूम भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे चौड़ाई देखो, यहाँ से चौड़ाई देखो कितना चौड़ा है। और साफ सफाई आप देख ही सकते हैं, है ना। कुछ दिन पहले ही मोदी जी यहाँ पे आए थे और एक नंबर प्लेटफॉर्म का ओपनिंग हुआ था। भाई मैं चलते चलते कितना आगे आ गया हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत दूर तक अभी दिख रहा है प्लेटफॉर्म। इंडिया का क्या बोले, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। सामने वाला प्लेटफॉर्म देख रहे हैं,
यहाँ पे आके खत्म हो गया, लेकिन ये एक नंबर जो प्लेटफॉर्म है अभी भी दूर तक मैं देख रहा हूँ प्लेटफॉर्म ही है। चलिए बाकी और भी दिखाता हूँ इस रेलवे स्टेशन में क्या क्या एक आम पैसेंजर को सुविधाएं मिलने वाली है। डॉर्मेट्री भी है यहाँ पे, आपको एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं सामने रिफ्रेशमेंट रूम किचन, अच्छा खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं। भाई साहब दिल खुश हो गया रेलवे स्टेशन देख के। रिलैक्स जोन भी है जिसका रेट कार्ड आप देख सकते हैं, 5 मिनट के लिए 50 रुपीज़, 10 मिनट के लिए 90 रुपीज़ और आधे घंटे के लिए 250 रुपये। तो आप यहाँ पे फुट मसाज बॉडी मसाज भी करवा सकते हैं। ये मेन एंट्रेंस और एग्जिट है और आपको डोमेस्टिक के लिए फर्स्ट फ्लोर पे आना होगा। यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री बेड भी मिल जाएगा। डॉर्मेट्री तो भाई साहब कुछ इस तरह का है, हुबली रेलवे स्टेशन पर डॉर्मेट्री। इधर आपको वॉशरूम मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा है डॉर्मेट्री हुबली रेलवे स्टेशन के पास। वो साइड में आपको डॉर्मेट्री के ठीक ऑपोजिट में आपको यहाँ पे रिटायरिंग रूम, रूम नंबर 5432। और जो केयर टेकर रूम में कोई है नहीं है ना, तो इसलिए मैं क्या आपको रेंट देना होगा, क्या फेयर पड़ेगा डॉर्मेट्री का या रूम का बता नहीं पाऊँगा है ना। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आपको पीछे देख रहे पेड वेटिंग लॉन भी मिल जाएगा, जिसका चार्ज आपको देना होगा 20 रुपीज़ पर आवर फॉर एडल्ट, 10 आवर पर आवर फॉर चाइल्ड। तो खूबसूरत सा इस तरह का वेटिंग लॉन भी है, लेडीज़ वेटिंग रूम ठीक है। यहाँ पे बगल में देख रहे हैं ये है जेंट्स वेटिंग रूम कुछ इस तरह का है। तो आपको ये है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे क्या क्या सुविधाएं एक आम पैसेंजर को मिलने वाली है, आपको आइडिया हो गया होगा। चलिए होप आपने छोटा सा ब्लॉग एंजॉय किया होगा, जल्दी मिलेंगे इसी तरह की मज़ेदार धमाकेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, सलाम एंड सत श्री अकाल। अली भाई एक एयरपोर्ट की लुक दे दिया भाई, टोटली एयरपोर्ट की, टोटली एयरपोर्ट की लुक दे दिया यार। मैं हराम है भाई, ये हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है इंडिया का, वो यार वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशंस आई विल सी इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड सही बात है। मैं इससे अच्छा रेलवे स्टेशन गाइस अपनी जिंदगी में कोई भी नहीं देखा भाई, मैंने यहाँ पर देखे नहीं पाकिस्तान में ऐसा रेलवे स्टेशन, पाकिस्तान में छोड़े हमारे, मैंने ये पूरे वर्ल्ड में देखा, पूरे वर्ल्ड की अब तक मैं खैर विजिट तो नहीं, मैंने खुद जाके बाहर किया, लेकिन वीडियोस बंदा देखता रहता है, जैसे हमने ये वीडियोस देखी है, इस तरह का रेलवे स्टेशन मैंने नहीं अपनी यार। बहुत कमाल का यार, बहुत ही कमाल। ये तो अंदर सफाई, ऊपर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, दूसरी अंदर चीजें हैं भाई, रेस्टरूम है भाई, रेस्टरूम है, एंटरटेनमेंट रूम है, रिलैक्स रूम है, आपका रिफ्रेशमेंट रूम है, आपको मसाज रूम है, आपके कैफेटेरिया है अंदर, ट्रेन को कैच करते हुए ना लेट हो जाते हैं, जब ट्रेन का आखिरी बॉक्स प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा होता है ना, तब वो प्लेटफॉर्म पे, तो उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वो 1.5 किलोमीटर तक भागते हुए ट्रेन को पकड़ सकते हैं। जस्ट इग्नोर, अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।